बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी तस्बीह जिसका अजर फरिश्ते भी लिख ना सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपसे अल्लाह पाक के तारीफी कलिमात पर मुश्तमिल बेहद खूबसूरत और बेहद रूहानी तासीर के हामिल मुकद्दस कलिमात शेयर करेंगे। ये वो पाक कलिमात हैं जिसके फजाइल को फरिश्ते भी लिख ना सके और इसका सवाब क़यामत तक के लिए मख्फी रखा गया। इसका अजर व सवाब खुदा और बंदे की मुलाकात के वक्त उस बंदाए खुदा को अता किया जाएगा। नाज़रीन, इन कलिमात का जिक्र रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हदीस मुबारका में यूं बयान फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया कि अल्लाह के बंदों में से एक बंदे ने यूं कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बी लकल हम्दु कमा यनबगी ली जलाली वजही का व अजीमी सुल्तानी का। ए मेरे रब, मैं तेरी ऐसी तारीफ करता हूँ जो तेरी ज़ात के जलाल और तेरी सल्तनत की अजमत के लायक है। तो ये कलमा उन दोनों फरिश्तों यानी करामन कातबीन पर मुश्किल हुआ और वो समझ नहीं सके कि इस कलमे को किस तरह लिखें। आखिर वो दोनों आसमान की तरफ चढ़े और अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रब, तेरे बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है जिसे हम नहीं जानते कि कैसे लिखें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने क्या कहा, हालांकि उसके बंदे ने जो कहा उसे वो खूब जानता है। उन फरिश्तों ने अर्ज़ किया, तेरे बंदे ने ये कलमा कहा है, या रब्बी लकल हम्दु कमा यनबगी ली जलाली वजही का व अजीमी सुल्तानी का। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कलमे को इन ही लफ्ज़ों के साथ नामाए अमाल में इसी तरह लिख दो जिस तरह मेरे बंदे ने कहा, यहाँ तक कि जब मेरा बंदा मुझसे मिलेगा तो मैं उस वक्त उसको उसका बदला दूंगा। नाजरीन, इन ही कलिमात की फजीलत व अहमियत से मुतासिर होकर हमारे बुज़ुर्गों ने बेशुमार साइलीन को ये मुकद्दस कलिमात तलावत करने की ताकीद की, जिससे उनकी मुश्किलात बहुत जल्द हल होती गई। मुशाहिदात से साबित हुआ है कि ये कलिमात चूँकि खुदा और बंदे के दरमियान मोहब्बत पर मबनी हैं और यही वजह है कि मोहब्बत के मामलात में ये बहुत जल्दी असर करते हैं। इसीलिए हमारे रूहानी सेंटर में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह के पाक नामों और कुरानी आयात के नकूश भी तहरीर किए जाते हैं, जिन पर इन्हीं मुकद्दस कलिमात को अरबों खरबों की तादाद में तलावत करके दम किया गया है। इलावा अजीं, हमारे यहाँ पूरा साल अल्लाह के 99 नामों का विर्द भी लाखों की तादाद में करवाया जाता है और उसके बाद इन तमाम नकूश पर दम करके इनका फैज़ जारी किया जाता है। ये नकूश आप किसी भी जायज़ मकसद में कामयाबी के लिए हासिल कर सकते हैं, मगर मोहब्बत के मामलात में ये फौरी असर करते हैं। जैसा कि अगर कोई बीवी ये चाहे कि शोहर और ससुराल में उसे बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त मिले और हर खास व आम की ज़ुबान पर उसी की तारीफ़ हो, तो अल्लाह के पाक नामों का ये नक्श अपने नाम मंसूब करवा के अपने पास रखें। इस नक्श के साथ आपको हुब का एक ख़ास अमल दिया जाएगा, जिसे रोज़ाना तलावत करके इस नक्श पर दम करने से आपको वो मोहब्बत और इज़्ज़त इंशाल्लाह मिलेगी जिसकी आपको तलब है। अगर कोई शोहर बीवी की बदज़ुबानी और नाफरमानी को मोहब्बत में बदलना चाहे और ये चाहे कि बीवी उसकी दिल से इज़्ज़त करे, तो अल्लाह के पाक नामों का ये नक्श अपने नाम मंसूब करवा के अपने पास रखें और इस पर हुब का वो अमल पढ़े जो उसे बुज़ुर्गों की तरफ से खासुल खास इजाज़त के साथ दिया जाएगा। इंशाल्लाह बदज़ुबान बीवी ना सिर्फ नरम मिजाज होगी बल्कि शोहर की इंतहाई ताबियादारी में रहेगी और हमेशा उसकी दिल से इज़्ज़त करेगी। अगर किसी लड़की को रिश्ते वाले पसंद नहीं करते या पसंद करने के बाद इनकार कर देते हैं या अच्छे रिश्ते आते ही ना हों या मनपसंद घराने में शादी की ख्वाहिश हो और लड़की या लड़के वाले राज़ी ना हों, तो इस्माए इलाही का ये नक्श अपने पास रखें और इस पर रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल एक मरतबा तलावत करके दम करें। इंशाल्लाह शादी की राह में हायल हर रुकावट दूर होगी और लड़के वालों को लड़की में इंतहाई रूहानी कशिश महसूस होगी और वो लड़की अल्लाह की रहमत से उन्हें पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता और हमेशा आपके इरादों की नफ़ी की जाती है और आपकी किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती,
तो अल्लाह के तारीफी कलिमात वाला ये नक्श अपने पास रखने से आप दिन ब दिन लोगों में इस कदर हर दिल अजीज़ होते जाएंगे कि आपके बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, हत्ता के दुश्मन भी आपकी दिल से इज्जत करेंगे और अपने ज़ाती मामलात में आपसे मशवरा लेना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। अलगर्ज नाजरीन, वक्त की कमी की वजह से हम इस्माए इलाही के इस नक्श मुबारक के मुकम्मल फ़ज़ाइल आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आप ये नक्श किसी भी किस्म की कारोबारी डीलिंग में कामयाबी, हसूल रोज़गार, बॉस को मेहरबान करना, मुकदमे में कामयाबी, नाराज़गी को मोहब्बत में बदलना, दोस्तों में सुलह व मोहब्बत, बहन भाइयों में मोहब्बत, रिश्तों में मोहब्बत या दीगर जायज़ मकासद में कामयाबी के लिए हमसे बतौर 1400 रुपये हदिया या अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। नक्श मंगवाने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03056111214 पर और ख़वातीन 03217970803 पर रब्ता कायम करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।